है कांड दर्ज कराया गया मेहंदीगंज थाना में, जिसमें बताया गया कि जो उनका लड़का है देव कुमार, जो 20 वर्ष की उम्र है, वो उन्होंने काफी प्रयास किया उनको ढूंढने का, लेकिन वो नहीं मिल पाया। तो आलमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है देव कुमार है, उनकी जो है उनका शरीर, उनकी बॉडी जो है बरामद होती है। उसी के आधार पे ये तीन इसमें अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है और उन्होंने ये अपना अपराध इसको कन्फेस भी किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें, बीते 20 अगस्त के दिन देव नाम का लड़का मेहदीगंज थाना अंतर्गत से अपने कुछ दोस्तों के बुलाए पर घर से बाहर जाता है और घर से बाहर जाने के पश्चात वह काफी रात्रि तक घर नहीं वापस आता है, जिसके पश्चात उसके परिजन काफी खोजबीन करते हैं। खोजबीन के पश्चात इसकी लिखित शिकायत मेहदीगंज थाने में दी जाती है और थाने में लिखित आवेदन के पश्चात दो दिनों के बाद इसकी आलमगंज थाने में बॉडी को प्राप्त किया जाता है। हालांकि आपको बता दें, यह जो देव नाम का लड़का था, पुलिस ने बताया है कि यह चैन स्नेचर था और दोस्तों से विवाद के कारण इसकी दोस्त ने ही हत्या कर दी थी गला दबाकर। आपको बताते चले, पटना पुलिस ने तीनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है और दोस्तों ने स्वीकारा है कि पैसे की लेन देन के कारण इस देव नाम के लड़के को दोस्तों ने ही गला दबा करके हत्या कर दिया है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना सिटी पूर्वी SP, जरा देखें। देखिए, मामला ये है कि बिना 18 तारीख को ये एक मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत देव कुमार नाम के व्यक्ति जो है, वो काट के पुल मेहंदीगंज में रहते हैं, वो अपने घर से अपने पेरेंट्स को जो है घर बाहर जाने के लिए कहने की बात बता के वो गए थे। उसके बाद वो घर नहीं लौटे। तत्पश्चात 20 तारीख को उनकी माताजी द्वारा एक जो है कांड दर्ज कराया गया मेहंदीगंज थाना में, जिसमें बताया गया कि जो उनका लड़का है देव कुमार, जो 20 वर्ष उनकी उम्र है, वो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया उनको ढूंढने का, लेकिन वो नहीं मिल पाया। तत्पश्चात 22 तारीख को आलमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है देव कुमार है, उनकी जो है उनका शरीर, उनकी बॉडी जो है बरामद होती है और तत्पश्चात जो है फैमिली के लिखित आवेदन पे कांड दर्ज किया जाता है। कांड पहले ही दर्ज किया जा चुका होता है मिसिंग का, उसी के आगे फिर जब उनकी बॉडी मिलती है तो उसमें हम अग्रतर अनुसंधान अपना शुरू करते हैं और उसके बाद फैमिली के जितने भी उनके विटनेसेस के स्टेटमेंट जो है अनुसंधान के क्रम में लिए जाते हैं। इस घटना को काफ़ी गंभीरता से देखते हुए, चूँकि इसमें पहले मिसिंग का केस हुआ था, उसके बाद उनकी बॉडी मिल जाती है, तो इसमें जितने भी टेक्निकल एविडेंस है, CCTV फुटेजेस को आसपास के सभी को देखा गया और उसके अलावा जितना भी जो मैनुअल इनपुट हमको मिला, उसी के आधार पे ये तीन इसमें अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है और उन्होंने ये अपना अपराध इसको कन्फेस भी किया है। तीनों अभियुक्तों को जो गिरफ्तार किया गया, उसमें नाम उनका इस प्रकार है, उसमें एक रोहित कुमार है, एक का नाम डब्लू कुमार है और एक का नाम शिवम कुमार है। इन तीनों का जो पेशा है वो ये स्नैचिंग की घटनाएं घटित करना या फिर मोबाइल स्नैचिंग करना, इस तरह की घटनाओं में ये तीनों संलिप्त रहते हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी जो है हम पता कर रहे हैं। इनके द्वारा कन्फेस किया गया है कि पटना सिटी और बिस्कोमान के आसपास इन्होंने बहुत बार ये स्नैचिंग की घटनाएं की है। तो जो मेन मुख्य मकसद जो है, मोटिव इस अपराध के पीछे यह बात आई कि रोहित की जो है पुरानी रंजिश जो है देव कुमार के साथ थी और उसी को लेके जो है शिवम जो है इसमें एक अन्य अभियुक्त, उसने इसको फोन करके जो है मृतक को बुलाया था और जो पुराना इनका आपस में बिकरिंग का इशू था और जो इनका आपस में इनका जो डिस्प्यूट था उसी को सेटल करने के लिए उस दिन इसकी गला दबा के जो है इसकी जो है मृत्यु कर दी गई। उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है उसमें बताया गया है कि उसमें स्केलेटन में भी जो है फ्रैक्चर आया है। तो गला दबाने से, स्ट्रेंगुलेशन से जो है ये हत्या इनके द्वारा की गई। तीनों अभियुक्तों को पकड़कर जो है अभी हम उनका सारा टेक्निकल एविडेंस हम कलेक्ट करके हम उसको डायरी में लेके आए हैं और माननीय न्यायालय में हम उनको प्रोड्यूस करेंगे और फैमिली के स्तर से भी जो भी इसमें हमको स्टेटमेंट मिले थे उन सभी को भी हमने मिलान, उसका जो हमारे टेक्निकल एविडेंस मिले उनका मिलान कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो थानाध्यक्ष मेहंदीगंज है, उनकी पूरी टीम के द्वारा
इस काम को काफी गंभीरता से देखते हुए इसको 72 घंटे के अंदर जो है इस पूरे हत्या का उद्भेदन किया गया, और इसके लिए जो भी टीम में मेंबर इन्वॉल्व हैं जिन्होंने अच्छा काम किया सभी को जो है इसमें रिवार्ड किया गया। ये मृतक भी क्या आपराधिक घटनाओं में, जैसा कि ये पता चला है कि ये चारों मिलके साथ में जो है पहले स्नेचिंग किया करते थे, लेकिन उसकी पुष्टि करना और उसके संबंध में अभी तक एविडेंस हमको बटोरने हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि इनकी हमने गिरफ्तारी की है और अब आगे जो पूछताछ में जो पता आएगा आसपास के थानों के जो बगल में हम पूछेंगे, इवन वैशाली जिला से भी हम संपर्क करके पता करेंगे कि क्या क्या, क्योंकि ज्यादातर ये पटना सिटी और पीर बोहर कदम कुआ इस एरिया में ज्यादा सक्रिय थे। देखिए सक्रिय इन द सेंस इनका जो है मेन मकसद कोई ऐसा संगठित गिरोह की तरह ये नहीं करते थे, ये जो है एक तरीके से थोड़े से आप कह लीजिए रफीन एलिमेंट टाइप थे कि जो शाम को निकल लिए उसके बाद यहाँ पे अपना ये बिस्कोमान के आसपास घूमते थे और जो जिसको जैसा मिला कि किसी से मोबाइल स्नेचिंग कर लिया, लेकिन जो एक संगठित गिरोह की तरह काम करने वाला है वैसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि ये एक गिरोह बना के ऑपरेट करते थे। तो बैकग्राउंड में पूरा इसमें तलाश है लेकिन कोई संगठित गिरोह होने की बात इसमें नहीं। देखिए मोबाइल के जो मोबाइल बरामद किए गए हैं उसके अलावा मर्डर वेपन कोई है नहीं है सच, क्योंकि स्ट्रैंगुलेशन से डेथ की गई है। तो बाइक तो जरूरी यूज करते हैं, तो जो बाइक इनकी यूज करते थे वो जो कर रहे हैं उसके संबंध में भी उसका सत्यापन करके जो भी मतलब इनके घरों में जो बाइक यूज हो रही है रिश्तेदार यूज कर रहे हैं सभी का भी वेरिफिकेशन DTO के मार्फत से करेंगे कि उसमें ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी चोरी की मोटरसाइकिल हो या फिर उसमें फोर्ज नंबर प्लेट्स वगैरह लगाई गई। आपराधिक इतिहास क्या है इन सभी अपराधों? देखिए अभी जो है वो आपराधिक पूर्व में आपराधिक घटना के संबंध में इन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन किन किन थानों में कहां रजिस्टर हुए उसकी क्या अद्यतन स्थिति है वो अनुसंधान के क्रम में अनुसंधान करता उसको। देखिए वो कब से एक्टिव होने वाली ऐसे हम आपको पहले। तो आपने देखा कि पूर्वी SP भारत सोनी ने साफ तरीके से कहा है कि देव नाम के लड़के का जिन तीनों दोस्तों ने हत्या की थी उन तीनों को हिरासत में लेकर के न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, और इन तीनों लड़कों ने पुलिस के सामने गछा है कबूला है कि पैसे के बाबत हमने अपने दोस्त की हत्या की है। आपको बता दें जो देव नाम का लड़का था अपने साथियों के साथ कई थानाओं अंतर्गत मोबाइल स्नैचिंग और चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे चुका था और यह चारों लड़के पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे थे। आखिरकार यह मर्डर होने के बाद पटना पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।